पैर टूट गया नैया पर से बिछड़ने के बाद खाना लाने के लिए जा रहे हैं। घर में जितने सामान था से सब भस गए। अपन मिचान पर बैठ के समय काट लिए। चितलाल भाई ने चिवरा चिन्नी दे गए। अंधेरी रात और बाढ़ का साया। जब बाढ़ ने सरसावा गांव में दस्तक दी तब सभी लोग अपने अपने घरों में कैद थे। सुबोध कुमार ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्थिति का सामना करने का निर्णय लिया। चिवड़ा मीठा खरीदने के लिए वे नाव पर सवार होकर चल तो गए, लेकिन उस दिन का सफर उनके लिए एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। जैसे ही नाव आगे बढ़ी अचानक संतुलन बिगड़ गया और सुबोध पानी में गिर गए। उनके पैर में गंभीर चोट आई और दर्द उनकी आंखों से आंसू निकालने लगा। अन्य सवारों ने उन्हें किसी तरह से डॉक्टर के पास पहुंचाया, लेकिन दर्द और चिंता उनके मन में घर कर गई। समस्तीपुर जिला के मोहनपुर प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी यानी कि सरसावा गांव में हूं। बता दें कि यह गांव पूरे तरह से गंगा नदी से घिरा हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाव से मतलब यात्रा कर रहे थे, जिस समय पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद ये मचान पर ही उसी समय से हैं जिस समय इनके घर में बाढ़ का पानी घुसा हुआ था। आइए हम बात करते हैं जिनका पैर फ्रैक्चर है उनसे, क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत खराब है, चारों पटनी से पानी घेरा हुआ है। पैर टूट गया नैया पर से पिछड़ने के बाद खाना लाने के लिए जा रहे थे। खाना लाने के लिए जा रहे थे, पैर फ्रैक्चर हो गया, टूट गया तो यहाँ से आदमी लाद के ले गया, प्लास्टर दिया, प्लास्टर करके फिर यहाँ ला के रख दिया। धीरे धीरे पानी बढ़ते गया, घर में के जितने सामान था से सब भस गया। अब घेरा गए, कोई नहीं आया कोई भी आदमी देखने के लिए, तो यहाँ के प्रतिनिधि आदमी भी कोई भी नहीं आए देखने के लिए, तो कैसू को अपन मिचान पर बैठ के समय काट लिए। और जीतलाल भाई ने चिवरा चिन्नी दे गए हैं। जीतलाल जी कौन है, यहाँ के हैं? हाँ यहाँ के हैं, मुखिया हारे हुए हैं, तो वही अपना दे दिए है, तो है खाए हैं, बाकी कोई प्रतिनिधि आदमी। मतलब गंगा नदी का पानी इतना हो गया कि आपका मचान में सटने तक पहुंच गया। आपका पैर जो है सो जब गंगा नदी पार कर रहे थे उसी समय फ्रैक्चर हो गया, टूट गया तो प्लास्टर कर गए, तो हम घिरा गए पानी में। यहाँ व्यवस्था कोई चीज का नहीं था, तो हम रह गए वही तनी तनी खा पी का समय काटे, बाकी कोई आदमी देखने के लिए आसपास कोई घर भी विशेष नहीं है विशेष देखने के लिए आएगा, और रह गए इसी में। तो आज 2 दिन के बाद वही आदमी यहाँ से कोई आदमी लाद के ले गया है। तो कैसे ले गए, मतलब ये प्लास्टर कटाने के लिए गए थे तो कैसे गए? कन्हा पर चढ़ कर ले गए थे। कन्हा पर चढ़ा कर कितना दूरी ले जाना हुआ होगा? लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आपको कन्हा पर चढ़ा के लोग ले गए नाव के पास? नाव के पास, उसके बाद नाव से उस पार गए। उसके बाद पैर का प्लास्टर कटवाए और अभी गर्म पट्टी लगा रखे हैं। हमें चांद पर बैठे हुए हैं, बाकी कोई नहीं। खाना बनाने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? कोई व्यवस्था नहीं। अभी क्या खा रहे हैं आप? वही चिवड़ा थोड़ा मोड़ा खाते हैं समय को पार कर। चिवड़ा खाते हैं समय को पार करते हैं, ऐसा स्थिति है। यही झोपड़ी में ही रहते हैं? यही झोपड़ी। और कहीं आपका घर है क्या? घर कम नहीं है, अब कहीं नहीं है, बस जो है सो ही है, मचान पे ही समय बिता रहे हैं। सब नीचे के जितना सर सामान था से सब भस गया, एकाएक पानी नीचे से चले आया कि सब भस गया। यही समय काटते हैं यही पर। कोई क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। सुबोध कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? सरसावा समस्तीपुर जिला के रहने वाले। सरसावा के रहने वाले हैं। वार्ड संख्या कितना है? 9 नंबर। 9 नंबर वार्ड संख्या है। गवर्नमेंट की ओर से अभी तक कोई मदद नहीं पहुंचा है? कोई नहीं मदद पहुंचा है, कोई नहीं। जैसे तैसे समय को काट रहे हैं। हाँ अभी समय वही थोड़ा थोड़ा चिवड़ा खाते हैं, समय को पार लगाते हैं, यही सब है। और कोई प्रतिनिधि भी नहीं आए हैं देखने के लिए, समय को कैसे पार कर रहे हैं।